मैं गायक कलाकार ओम प्रकाश निराला सिकंदरा प्रयागराज की धरती से मैं एक गीत आप सबके बीच में भेज रहा हूँ बाबू। मुझे आशा न बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप सबको जरूर पसंद आएगी। ये गीत जो आप सुन रहे हैं सुषमा सागर म्यूजिक के बैनल तरे जिसके संचालक कवि बाबा बटोरिया जी हैं बाबा। और मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ बाबू कि अगर मेरी गीत आप सबको पसंद आए तो आशीर्वाद के रूप में हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। कौनो दुल्हन अपने दुल्हा के समझावत मार साहेब एक लाइन के तर जवाब कि हाय मोरी भी यही गुजरिया। इसी गीत को विरहा सम्राट परम पूजनीय हमारे गुरु लहरी लाल जी गाया करते थे क्या कि हाय मोरी भी यही गुजरिया एक बेरी फेर दिया ना जारिया। हाय मोरी भी यही गुजरिया भैया। ये तो तर्ज रही लेकिन किसी तर्ज से बढ़िया कितनी सुंदर बात लाख लाख रुपए की बात हमारे कवि बाबा बटोरिया जी ने अपने कलम के माध्यम से लिखा है बाबू। कोनो दुल्हन अपने दुल्हा के समझावा था कि हे सैया हे मोरे दुल्हा ऐसे घूमे से काम न चली। मन से दुआ काहे का करी दुल्हनिया काहे सुना हम बतावा थे का करे के बा तू कहा थे का घर के खर्चा कैसे चली भाई। काहे सुना हम बतावा थे कि घर के खर्चा कैसे चली भाई घूमत बाड़ा कर ब्याना कमाई घर के खर्चा कैसे चली भाई। भैया दुल्हनिया कहा है सैया ऐसे घूमत टहरत रह तो जीवन यापन न होई। बढ़िया काम धंधा करा मेहनत मजदूरी करा जैसे तरक्की हो। और बतावा थे का अंतरिक लाइन मार साहब पहले केवल हम और तू रहे तू ही प्राणी और जब से तू ही लड़ी क्या भय अरे बड़ी परेशानी कि घर के खर्चा कैसे चली भाई कि घर के खर्चा कैसे चली भाई और पप्पू गप्पू मांगा थी मिठाई घर के खर्चा कैसे चली भाई। Thank you.
बाबू दुल्हीन समझावत है कि हे सैया पहले तो केवल हम ही तु दुई प्राणी रहे, लेकिन भगवान की माया की छोट छोट दूस लड़कियां भगवान फूल दे दिए हैं। इनकर खर्चा कैसे चली, सुबेरे उठे थे दोनों बेटवा कहा थी मम्मी मिठाई चाहिए, पापा कुछ ले नहीं आए इनका, सुबह कहा है मम्मी टॉफी चाहिए, मम्मी बिस्कुट चाहिए, मम्मी कहाँ पाऊं जब मन से दू कमाए के लिए उतर ही नहीं ने, कहा बेटवा चुप रहा पापा कल गए हैं एक को पैसा लेके नहीं आए बेटवा, कहा तो का मिठाई खियाई, दुल्हीन समझावत अपने मन से दू का सैया इससे काम चले वाला, और बतावत है कहा कि बन के लखरा खेला और बन के लखरा खेला तास वाला पत्ता हुआ का मिली तो का अरे वेतन और भत्ता कि घर के खर्चा कैसे चली भाई, कि घर के खर्चा कैसे चली भाई, और जीवन भर के कैला कुछ उपाय, घर के खर्चा कैसे चली भाई, सैया जाए के बगिया में सारा दिन हुई ताश पत्ता खेला थे, बतावा ताश पत्ता खेले से गुजारा हो वाला बा, और बतावा थे कि ताश पत्ता खेले से कोनो गुजारा हो वाला नहीं ना, का सारा दिन खेलत का तो का हम पेंशन भत्ता मिलत बा, इससे काम ना चली सैया, अरे समझदारी के परिचय दा, बढ़िया से कमा धमा परिवार चले, बढ़िया कॉलेज पढ़ावा, खर्चा लंबा बसैया, तो और कहा थे कहा दुल्हन कहा थे कहा कि भूखा नहीं सोई जाई दाल रोटी चाहिए, कहा है सैया भूखे न रहा जाई, भूखे पेट हम ना सोम ना हमारा लड़किया सोई ही, करे कहा तो कहा बा तो कहा थे कहा कि भूखा नहीं सोई जाई और दाल रोटी चाहिए, और कमाई के उम्र में और करत मन चाहिए कि घर के खर्चा कैसे चली भाई, कि घर के खर्चा कैसे चली भाई, काऊ कड़बाया आई गई बुढ़ाई, घर के खर्चा कैसे चली भाई, कमाई की उम्र में मन चाही कर भया, सब कुछ बिगड़ जाए जो बिस्सा खेत वो बिक जाये, ओकरे बाद का खावे सैया, जब बुढ़ाई आई जाये तब का बनऊ भया, लड़कियां जवान हो जाये तो का बनऊ भया, अब वही कमाई के समय बा वही बनवे के समय बा, चाहे जोन बनाए लड़का भैया, जब बुढ़ाई आई जाये पोरू घट जाये तो का कर भया, तो वही हाल होगी साथियों, अब पछताए का हुई जब चिड़िया उग गई,
तो एक आध आखिरी लाइन में कवि बाबा बटोरिया जी ने लिखा है क्या, बिटिया या उरा बेटावा के अरे कैसे लागी फेरा, आखिरी लाइन में हमारे कवि बाबा बटोरिया जी ने कितनी सुंदर बात लिखा है कि हे दुल्हा दोनों लड़कियां सयान हो गए हैं, पैसा कौड़ी नहीं बा तिंकर शादी ब्याह कैसे हुई, अरे गहना गीठी कैसे बनी, तो दुल्हन कहा थे का अब बिटिया या उरा बेटा वाके और कैसे लागी फेरा, खर्चा कैसे चली भाई और घर के खर्चा कैसे चली भाई, अब ओम प्रकाश रहा समझाई, घर के खर्चा कैसे चली भाई, कि दोनों लड़कियां सयान हो गए हैं, उनकर फेरा कैसे लगी, आखिरी और अंतिम लाइन में ये भक्त ये कलाकार अपने गुरु गाने का परिचय देता है क्या, कि गुरु भोला नाथ भय अरे स्वर्ग के वासी, गुरु लहरी लाल जी बिना अरे महफिल उदासी, कि घर के खर्चा कैसे चली भाई, अरे घर के खर्चा कैसे चली भाई, अरे ओम प्रकाश गीत के सुनाई, घर के खर्चा कैसे चली।